दोस्तों आज का मुद्दा है क्लीन टॉयलेट्स। अब आपको हाईवे पे जितने भी पेट्रोल पंप हैं, चाहे वो HPCL का हो, BPCL का हो, मतलब कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, किसी का भी हो, आपको ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स टॉयलेट्स के रूप में मिलेंगे। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मिनिमम इतना प्रोवाइड करने के लिए हर एक पेट्रोल पंप को बोला है, और वो इस तरह हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पे आपको मेल फीमेल के लिए अलग अलग टॉयलेट होगा, जैसे हर जगह होता है, और होता तो अभी भी है, बट अब 2400 घंटे साफ सफाई के द्वारा और प्रॉपरली मेंटेन हाउसकीपिंग स्टाफ के तरह, और जैसे कि मॉल में एक स्टैंडर्ड होता है, हम जाते हैं दिल्ली में किसी भी मॉल में, तो एक मॉल की माफिक एक फर्स्ट क्लास क्लीन टॉयलेट्स, रिफ्रेशिंग रूम मिलेंगे। तो मेल्स के लिए कम से कम 4 यूरिनल, 2 टॉयलेट, एक इंडियन एक वेस्टर्न, और 3 वॉश बेसिन मिलेंगे। इसी तरह फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए 2 टॉयलेट, सिमिलरली इंडियन और वेस्टर्न, और 3 वॉश बेसिन मिलेंगे। तो ये कम से कम आपको हर एक पेट्रोल पंप मिलेगा, और कहने को मिलना भी चाहिए। अक्सर पेट्रोल पंप बहुत बदनाम है, हम जानते हैं हिंदुस्तान में जितने भी पेट्रोल पंप हैं सब पॉलिटिकली लिंक्ड लोगों को मिलते हैं। अक्सर पेट्रोल पंप बदनाम रहे हैं, स्कीमें निकाली जाती हैं कि कारगिल हीरोज़ को मिलेगा, इस आर्मी वालों को मिलेगा, या ऐसे ऐसे सोशल स्टिग्मा है इस पेट्रोल पंप्स की अलॉटमेंट में। अक्सर पिछली बार NDA बदनाम हुई थी इस बारे में पेट्रोल पंप्स के अलॉटमेंट में, और अक्सर दूसरी कांग्रेस सरकारें बदनाम रही हैं। अक्सर पेट्रोल पंप्स उन्हीं को मिला है जो वेल कनेक्टेड रहे हैं पॉलिटिकली। तो कम से कम एक अच्छा काम अब उनको करने को मिलेगा, सरकार ने एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए हैं। और वैसे भी हमारे देश में इसमें स्वच्छता अभियान चला हुआ है, बातें बहुत हो रही हैं, बट ज़मीनी तौर पे कितना काम हो रहा है हम सब जानते हैं। तो अब जब इतनी बड़ी खबर अखबार में आई है, तो अब कम से कम पेट्रोल पंप पे प्रेशर रहेगा कि इतना मिनिमम स्टैंडर्ड्स उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी भी होते हैं पेट्रोल पंप पे टॉयलेट्स, बट अक्सर हमें गए हैं जब भी टॉयलेट्स पे, तो किसी कोने में छोटा सा बना होगा, बदबू आ रही होगी, और मेंटेन नहीं होता। लेडीज़ जाने में तो बहुत ही घबराती हैं। तो दिस इज़ अ मिनिमम स्टैंडर्ड दैट हैज़ बीन लेड डाउन। द आर्टिकल इज़ इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इट सेज़ हाइजीन मस्ट बी इंश्योर्ड, सेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नाउ क्लीन टॉयलेट्स विल बी अवेलेबल एट ऑल हाईवेज, नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉन्ट्स अराउंड 12,000 पेट्रोल पंप्स अलॉन्ग द नेटवर्क टू प्रोवाइड प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज। इट हैज़ टोल्ड ऑल ऑयल कंपनीज दैट दे कैन टेक नॉमिनल यूज़र चार्जेस। अब यूज़र चार्जेस लेने के लिए अलाउ तो कर दिया है, बट वाई दे शुड टेक यूज़र चार्जेस मीन, जब हम लोग इतना कार और मोटर बाइक्स में इतना पेट्रोल भराते हैं, तो इट शुड बी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आफ्टर ऑल फ्री में हवा भराई जा सकती है, ठंडा पानी दिया जा सकता है, तो क्लीन टॉयलेट्स एक मॉल की माफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। दिल्ली में मॉल्स ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अब किसी भी मॉल में जाओ, आपको फ्रेश होने के लिए बहुत अच्छे टॉयलेट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, तो दिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीस्ट। एट प्रेजेंट इट्स मैंडेटरी पेट्रोल पंप्स अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज विदाउट एनी चार्ज, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज टॉयलेट्स आर इन बैड शेप एंड देर इज़ हार्डली एनी मेंटेनेंस। ये मैं बोल चुका हूँ, अभी भी टॉयलेट्स होते हैं बट कोई रखरखाव नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेडीज़ तो जाने में बहुत घबराती हैं, और एक कॉर्नर में होगा डिंगी सी सिचुएशन में, तो इवन जेंट्स भी हाईवे पे, अब पता नहीं आपको माहौल इतना ख़राब है, कुछ टैब ही कर दे, कुछ चक्कू ही मार दे, क्राइम इतना ज़्यादा है इंडिया में, लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है। तो एनीवे इट्स अ गुड स्टेप बीन टेकन बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड देम एंड मुबारक हो, अच्छा स्टैंडर्ड मिले हमें इंडियंस को टॉयलेट्स की लिए। फॉरेन कंट्री में इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, तो व्हाई नॉट इन इंडिया, इट्स पॉसिबल। थैंक्स फॉर इट।